नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा लगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज 123वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सिरसा के सुभाष चौक पर उनकी प्रतिमा पर वायुसेना मंडल के एयर कमांडर सुनील नायर ने व एयरफोर्स सिरसा के अनेक अधिकारियों तथा सिरसा पर्यटन विभाग के पूर्व चेयरमैन जगदीश चोपड़ा सहित अनेक भाजपा नेताओं के साथ साथ अनेक गणमान्य लोगों ने नेताजी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शहीदों की जीवनी पर आधारित स्कूली बच्चों द्वारा एक कम्वाली का भी प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर सुभाष चौक पर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया, राष्ट्रगान भी गाया गया। एयर कमांडर सुनील नायर ने नेताजी की जयंती पर भाग लेने वाले स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की। अब देख रहे हैं पल पल के विशेष। आज सर श्रीमती सरबजीत कौर गर्ल्स गाइड जीएसई क्रम से श्री लाल चंद जी को इनके हाव भाव चाल से आपको कभी ये सीनियर सिटीजन नहीं लगेंगे, एवरी टाइम एक्टिव। विवेकानंद स्कूल के आपको देखना है कि उन्होंने ये जो किया है, जो दृढ़ निश्चयता दिखाई, ये हमारी सबसे बड़ी सीख है। आप देखोगे 1930 से 40 या 45 जब तक जब उनका देहांत, उससे पहले उन्होंने काफी विदेश यात्रा करी। आजकल इतने यातायात के साधनों के बावजूद भी आपको लगता है इंडिया में ही ट्रैवल करने में लोग थक जाते हैं, या उनको लगता है कि कैसे यहाँ चले जाए या कैसे इधर चले जाए, टाइम है कि नहीं। पर उनकी अब जीवन की जो बात पढ़ेंगे, वो आजादी दिलाने के लिए पहले रशिया गए, वहां जब उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला इटली गए, जर्मनी गए, वहां से भी जब उनको लगा पूरे जो उनका उद्देश्य सफल नहीं हो रहा, अफ्रीका गए, तो दैट एक्सटेंड मडागास्कर के एक सबमरीन में बैठ गए। आई डोंट नो कितने लोगों ने सबमरीन देखा है, एक सबमरीन जो है छोटा सा ये होता है जो सी के अंदर चलती है, जो उसमें क्लेस्ट्रोफोबिया है, एक जो ट्रेंड व्यक्ति नहीं हो इसको हो जाता है। मडागास्कर से सिंगापुर तक जाने के लिए करीब एक महीने से ज्यादा लगता है, उसमें बैठ कर वो गए। क्यों? उनका उद्देश्य जो था वो उनके लिए प्रथम था।
वहां जाके जब उन्होंने देखा विदेशी सहायता इतनी नहीं मिल रही, उन्होंने खुद की सेना बनाई। उनका भी एक ही लक्ष्य था, भारत को आजादी दिलाना। इस तरह कई नेता है, फ्रीडम फाइटर्स सब, हमें इनको याद करके देखना है आज की जिंदगी में हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम अपना वर्तमान में बदलाव ला सके। आठवीं कक्षा के बाद तक आपको एक लक्ष्य चुनना है, नौवीं से बारहवीं कक्षा तक जो आप सीख लेंगे उसके लिए कुछ कई चीजें आपको करनी होगी। हर छात्र के लिए मेन चीज है, जैसे आप प्रधानमंत्री ने भी दो दिन पहले बताया था, एक होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक होता है योर हेल्थ मैनेजमेंट, और तीसरा टाइम मैनेजमेंट। ये जो चीजें किताबें पढ़ के नहीं आ सकती, एक तो आपके व्यक्तिगत जो अनुभव है उसका आपको एनालिसिस करना पड़ेगा और मैं इसमें आगे क्या कर सकता हूँ।